मैं आपका दोस्त अमित, और आज की इस वीडियो हम बात करेंगे बोट ईयरपोड की, जिसका मॉडल नंबर 611 है। तो सबसे पहले ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक मास्टर कॉपी प्रोडक्ट है जो कि बोट का है। तो इसका वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी वगैरह इसका। वैसे इसे ओरिजिनल भी नहीं कह सकता, ओरिजिनल का कॉपी भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो ओरिजिनल बोट का ईयरपोड है 611, वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। उसका बॉक्स वगैरह, जो चार्जिंग बॉक्स है, वो बहुत ही डिफरेंट है इससे। तो इसे ओरिजिनल का भी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपी प्रोडक्ट में बहुत सारे डिज़ाइंस निकलते रहते हैं ईयरपोड्स में अलग अलग, जो कि मार्केट में नहीं होते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट में। ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिज़ाइन 2-3 डिज़ाइंस होते हैं सिर्फ, लेकिन कॉपी प्रोडक्ट में बहुत सारे आपको डिज़ाइंस मिल जाते हैं कंपनीज के। तो इसलिए ये भी एक डिफरेंट डिज़ाइन का एक प्रोडक्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं, इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाता है ईयरपोड्स का, और साथ ही यहाँ पर आपको मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पर आप ऊपर बोट्स कंपनी का लिखा हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पर बैक साइड में आपको यहाँ पर और भी डिटेल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पीछे आपको दिया गया वन टच वॉइस असिस्टेंट यहाँ पर है, तो इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पर IP6 वाटर रेजिस्टेंस यहाँ मिल जाता है स्वैप प्रूफ, जो कि पानी के छींटे वगैरह पड़ेंगे तो इस ईयरबड पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसे सबसे पहले यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की यहाँ पे पैकिंग दी गई है। और बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ पर बोट का एक मैनुअल मिल जाता है, जो कि सिंगल एक मैनुअल है, तो जिसमें आप देख सकते हैं डिटेल वगैरह जो भी इसका। और बाकी यहाँ पर आप सी पोर्ट चार्जिंग आपको मिल जाता है, जिससे आप चार्ज कर सकते हैं इस बॉक्स को। देख सकते हैं आप रेड कलर का ईयरबड है, तो लुक यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ब्लैक में भी मिल जाएगा, ये सारे कलर्स में भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी पैकिंग है, और इस तरह का यहाँ पर ईयरबड आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको बोट का यहाँ पर लोगो भी देखने को मिल जाता है। चार्जिंग यहाँ पर आपको शो करेगा, जो कि आप डायरेक्टली देख सकते हैं कितना परसेंट चार्जिंग आपके ईयरबड में अवेलेबल है। और यहाँ पर दोनों का चार्जिंग यहाँ पर शो करता है, जो कि आगे की वीडियो हम देखेंगे। तो इस तरह का यहाँ पर आपको पैकिंग देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही पतला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसका बॉक्स जो है, जो कि आराम से आप अपने जेब वगैरह में कहीं पर भी इसे रख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, जो कि सी पोर्ट है। यहाँ सी पोर्ट का यहाँ पर चार्जिंग लगेगा आपका, और यहाँ पर आप चार्जिंग वगैरह कितना है यहाँ पर आप शो देख सकते हैं। इसका डिस्प्ले इस तरह का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ओपन करने में यहाँ पर आपको गैप मिल जाता है, तो यहाँ पर बंद करने में यहाँ पर आप टॉप ऊपर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते इसे ओपन करते हैं, यहाँ पर आप इस तरह का यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको बर्ड्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली आपको इस तरह यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बाकी यहाँ पर आपको मैग्नेट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं, जिससे ये चार्ज होता है। बाकी ईयरबड्स के बहुत सारे ईयरबड्स यहाँ नीचे दिए होते हैं, लेकिन इसका यहाँ पर बाजू में दिए गए। बहुत लोग को इस डिज़ाइन का जमता है, क्योंकि रबड़ ईयरबड का नहीं यूज़ करते, जिससे कान में ज़्यादातर दर्द होता है उसे लगाने से, तो बहुत लोग इस तरह का भी यूज़ करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बेटर है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ये चार्ज हो रहा है बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी चार्जिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो कर रहा है, यहाँ पर 5% चार्जिंग यहाँ पर शो कर रहा है। देख सकते हैं दोनों ईयरबड का दोनों साइड साइड में दिखा रहा है। तो इस तरह यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ईयरबड कितना चार्ज है, इसमें आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। और बाकी यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर आपका डायरेक्टली लाइट ब्लिंक करने लग जाता है, जिसे आपको पेयरिंग करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरह यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी इसकी लुक बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट लुक में कोई बता नहीं सकता कि ये कॉपीड प्रोडक्ट है कि ओरिजिनल है। तो अभी हम इसे एक बार अपने मोबाइल से पेयर करके देख लेते हैं। तो आपको अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बोट ईयर पोड 611, इससे आपको कनेक्ट कर लेना है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया, और इसकी लाइट ब्लिंक होना बंद हो गई है। तो अभी हम एक बार इसका साउंड टेस्ट करके देख लेते हैं कैसा लगता है। तो जैसे कि अभी मैं जरा अपने माइक को इस पे आपको अटैच कर देता हूँ, जरा आपको शायद आवाज सुनाई दे। तो आप तो ईयरबड का जो साउंड है वो बहुत ही बढ़िया है, इसमें आपको साउंड बहुत ही बढ़िया मिल जाती है, लेकिन इसका बेस थोड़ा कम आपको मिलता है, इतना ज़्यादा इसका बेस नहीं। अब कॉपी प्रोडक्ट है तो इसलिए इसका बेस उतना ज़्यादा नहीं है,
बाकी यहाँ पर आपको साउंड बराबर मिलता है। अगर हाँ ज़्यादा आपको बेस ज़्यादा नहीं पसंद है तो आपके लिए ये बेटर है, तो आप इसे बाय कर सकते हो। और बाकी इसकी डिज़ाइन की बात करें तो ये प्लास्टिक का है पूरा, तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको ज़्यादा बेस नहीं पसंद है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और बाकी साउंड क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है इसका। और इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो इसकी बैटरी बैकअप भी कॉपी प्रोडक्ट है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका 7-8 घंटा ये चलेगा। और बाकी इसकी चार्जिंग बॉक्स की बात करें तो ये नॉर्मली यहाँ पर 3 आवर्स टू 3 आवर्स में ये चार्ज फुल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप इसका आपको मिल जाता है आराम से 11-12 घंटे का चार्जिंग होता है इसके अंदर, आप कर सकते हैं ईयरबड्स को। और इसकी कॉलिंग भी बहुत ही बढ़िया है, अगर आप कॉलिंग के लिए यूज करते हैं ईयरबड्स को, तो इसकी इसकी वॉइस क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉर्मली आप आवाज़ सुन सकते हैं और आप कुछ बोलेंगे तो सामने वाला भी प्रॉपर सुन सकता है। तो कॉलिंग के लिए भी ये बहुत ही बेटर है। आप बस इसमें आपको बेस थोड़ा कम मिल सकता है, तो बेस है लेकिन उतना ज़्यादा बेस नहीं जितना होना चाहिए, तो आप इसे अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।